देख रहे हैं इंडी टाइम्स, मैं हूं आपके साथ बबली। फाइनली गाइस, फैन जिस फिल्म का बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बॉलीवुड के सिंगम अजय देवगन की फिल्म भोला आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। और फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही फिल्म को सिनेमाघरों में बेहद शानदार रिस्पॉन्स मिला है। ऑडियंस फिल्म की तारीफ करती करती नहीं थक रही है। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग करीब 6 दिनों से चल रही थी और इस फिल्म को लेकर फैंस का क्रेज बहुत ही शानदार था। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म भोला की। तो दोस्तों, फिल्म भोला अजय देवगन के डायरेक्शन और प्रोडक्शन में बन चुकी है, जो कि साल 2019 में बनी तमिल फिल्म कैथी फिल्म का ऑफिशियल रीमेक है। अजय देवगन की फिल्म भोला, इस फिल्म में आपको अजय देवगन के साथ तब्बू भी अहम किरदार में नजर आएंगी। इस फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए का है। इस फिल्म में अजय देवगन यानी भोला को 10 साल बाद जेल से रिहाई मिलती है और जेल में रहते भोला को इस बात का पता चलता है कि उनकी एक बेटी है जो लखनऊ के एक अनाथालय में रहती है। तो वहीं दूसरी ओर एसपी डायना जोसेफ यानी तब्बू ने एक बड़े गिरोही माफिया के ड्रग तस्करी का माल पकड़ा होता है और बरामद किए गए माल को वो पुलिस थाने के एक खुफिया एरिया में छिपा देती है। माल को दोबारा वापस लाने और डायना को जान से मारने की साजिश रचने वाले असवाचुमा यानी कि दीपक डोबरियाल को एक पुलिस इंस्पेक्टर की ओर से टिप मिलती है, जिसकी तैयारी में असवाचुमा पार्टी कर रही पुलिस फोर्स के ड्रिंक्स में कुछ ऐसा मिला देती है जिससे एक एक कर सभी पुलिस इंस्पेक्टर बेहोश हो जाते हैं और उनकी जान को खतरा हो जाता है। इसी बीच एसपी डायना इन सभी ऑफिसर्स को हॉस्पिटल पहुंचाने की जिम्मेदारी ले लेती है और साथ ही उसे थाने भी पहुंचना होता है ताकि बरामद किया गया माल को किसी का पता ना चले। और इस पूरे सफर में भोला उनके साथ कैसे जुड़ता है, पकड़े गए माल का क्या होता है और क्या वो पुलिस ऑफिसर्स को बचा पाता है, असवाचमा अपना बदला कैसे लेता है, इन सारे सवालों के जवाब को जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। सोशल मीडिया पर अजय देवगन की भोला काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले लोगों ने भोला की तारीफ में जमकर कमेंट भी किए हैं और ट्वीट भी किए हैं। फिल्म में एंटरटेनमेंट का हर वो डोज है जिसकी ख्वाहिश एक सिनेमा लवर को होती है। हालांकि कौन सा डोज कितनी क्वांटिटी में देना है, इसके बैलेंस में अजय देवगन की चूक नजर आती है। फिल्म इमोशन से हटकर एक एक्शन ड्रामा तक ही सिमट कर रह जाती है। कैथी फिल्म की खासियत ये थी कि वो इमोशनली अपने ऑडियंस को कनेक्ट करके रखती है। एक अकेले भोला का 100 से भी ज्यादा गुंडों से लड़ना थोड़ा लॉजिक से परे लगता है, लेकिन तर्क ये भी है कि अगर यही काम साउथ की फिल्मों में हो तो सीटियां और तालियां बजने लगती हैं, तो वही हम बॉलीवुड फिल्मों को लेकर थोड़े ज्यादा क्रिटिक हो जाते हैं। फिल्म के फर्स्ट हाफ से लेकर क्लाइमेक्स तक बस आपको गाड़ी ट्रक बाइक उड़ते ही नजर आएंगे। फर्स्ट हाफ में एक दो जगह कुछ इमोशनल सीन्स को छोड़कर पूरा टाइम ट्रक के सीक्वेंस पर ही गुजरा है, तो वहीं सेकंड हाफ में भोला की बैकड्रॉप स्टोरी को एक गाने में सिमटने की कोशिश की गई है। अजय देवगन के फैंस के लिए भोला एक ट्रीट है, खासकर एक्शन लवर्स को ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अजय देवगन के फैंस भोला को बॉक्स ऑफिस पर हिट बता रहे हैं और फिल्म को 5 में से 5 रेटिंग भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम फैंस ने इसे लेकर ट्वीट किए हैं। अजय देवगन की भोला को लेकर केआरके ने भी अपना रिव्यू शेयर किया है। केआरके ने ट्वीट में लिखा, फिल्म भोला के पहले दिन की एडवांस बुकिंग शहजादा भेड़िया और सर्कस के बराबर है, यानी फिल्म पहले दिन 5 से 8 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकती है। लैंडिंग लागत 200 करोड़ है। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, और अगर आपने ये फिल्म अब तक नहीं देखी है और आप ये फिल्म देखने के बारे में सोच रहे हैं तो आप ये फिल्म जरूर देखें, क्योंकि ये फिल्म आपको पूरा पैसा वसूल देगी।